क्या नाम है आपका? नीटू, आपके गांव में जिस तरीके से एक लड़के की हत्या की गई है, जी जी। कैसा था वो, कैसा उसका पढ़ाई लिखाई, कैसे पूरा बताइए। वो बी फार्मा कर रहा था, इसकी फाइनल ईयर थी, और जो उसके दोस्त था जी, उसने दो साल पहले 20,000 रुपए ले लिए थे। जब उसने मांगे तो उसने अपने घर पे बुला लिया था जी। तो कहीं कोई शादी होगी उसके घर पे, उसकी बहन की, उसकी बहन की, हाँ जी। अब नाम नहीं पता क्या था उसकी सिस्टर का, प्रियंका नाम है, प्रियंका जी। तो उसने बुला लिया था, उसने वहाँ पे षड्यंत्र रच के उसके गोली मार दी। और वो बहुत अच्छा लड़का था, सब लड़का था, कोई भी उसके एबिल नहीं था, कोई शराब, कोई सुपारी तक नहीं खाता था। क्या करना चाहता था वो? डॉक्टर बनना चाहता था, समाज की सेवा करना चाहता था, और गरीबों की सेवा के लिए वो तैयार था, तत्पर। तो अब क्या पूरे बता रहे हैं, गांव में पूरे में शोक की लहर दौड़ गई है उसकी। उसके पिताजी भी बहुत दुखी हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं, गाजियाबाद में मकान भी है, और सुरेंद्र सिंह नाम है उनके पिताजी का जी। और वो बहुत दुखी है, पूरा गांव और क्षेत्र के लोग बहुत परेशान है उसे आवाज सुनकर उसकी। तो शादी समारोह के दौरान उसने हत्या की गई? हाँ, वो नल पे पानी पी रहा था उस समय, पीछे से आके गोली उसने मार दी। ये बीती रात थाना रिजौर में कुरीना दौलतपुर गांव में घटना हुई है, रात में 8 बजे, जिसमें प्रवीण उर्फ सनी यादव को गोली लगी थी, वो घायल हो गया था, इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गया। उसकी परिजनों ने आज थाने पे तहरीर दी है, जिसमें उसका दोस्त है पंकज, और दूसरा साथी है संजय उर्फ सनी, जिनके ऊपर मतलब हत्या का आरोप लगाते हुए उन्होंने तहरीर दी है। इस संबंध में हम लोग विवेचना करके जो भी सच्चाई होगा उसकी सर्च करेंगे, और जो सत्यता के आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर बताया उसको बुला करके, और प्रिंट प्लान जो बताया गया, ये भी छात्र था मेडिकल कॉलेज का, और इसको एडमिशन में कुछ रुपया लिया था इसने, 20,000 रुपए, उसकी वजह से हत्या की गई है। ये दोस्त था इसकी, ये पंकज प्रवीण उर्फ सनी का, पंकज का दोस्त था इसकी, पंकज की बहन की शादी थी, उसमें शादी में भाग लेने के लिए थे। मे बी की ऐसी कोई बात हो सकती है, लेकिन प्रथम दृष्टि ऐसा नहीं लगता है। हम लोग छानबीन करेंगे, जो भी सच्चाई होगा, अगर रुपया लेने के क्रम में उनकी हत्या की गई है उसकी रिगार्डिंग कार्रवाई होगी। हर फायर में अगर उनको गोली लगी है उसकी रिगार्डिंग कार्रवाई होगी। कोई गिरफ्तारी हुई है सर इसमें? अभी फिलहाल नहीं, प्रयास जारी है।